चैनल, कशा सा तुम्ही। तो आज है ट्यूसडे और आज ना मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। ओके, तो कल ना मैं शाम को गई थी पणजी ऐसे ही ग्राउंड के लिए, तो आते वक्त ना मैं एक फ़िश लेके आई हूँ जो कि मैंने कभी भी नहीं उसको खाया है, और ज़्यादा ना वो गोवा में मिलता भी नहीं है, रेयरली आपको मिल जाएगा। पर मम्मी बोल रही थी कि वो फ़िश है ना बहुत ही टेस्टी लगती है, अगर करी बनाओ या फ्राई करो ना बहुत ही टेस्टी लगती है। तो कल ना मैं एक वाटा लेके आ गई, बहुत सस्ता भी था और फ्रेश था, तो कल मुझे वो दिखाई दिया, वो मैं कल लेके आई। और आज मम्मी ना करी बनाएगी मम्मी के स्टाइल में, तो सोचा चलो वो रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। और यहाँ पे है यो, आज ये लास्ट दिन, कल स्कूल है। हाय मर्ज़ रहा है। ओके, तो कल स्कूल है, डाले छुट्टी सप्ले। तो चलिए मैं दिखाती हूँ फिश क्या है। वो फिश तो इसे देखकर ना आप लोगों को पता चल ही गया होगा जो कोई खाते हैं, और ये ना मुंबई में उस साइड ना बहुत ही मिलते हैं, मैंने वो टीवी में देखा है। ये इसको ना मांदिली कहते हैं, मांदिली फिश, जो कि इस तरह से होता है। तो काटे उड़ के भीतर बारीक काटे असला कर चढ़ काटे ना, तो दिखाई दिया मुझे, मैं लेके आ गई। और ये एक लेके आए मैम, लेकिन ये छोटे नहीं, या छोटे बहुत ही फ्रेश थे। ये देखिए छोटे साइज कितने फ्रेश है, दवर हाथ दू फ्रेश था। ये 100 रुपीज और ये भी 100 रुपीज का था, बहुत ही फ्रेश था, तो मैं लेके आ गई हूँ। हाँ, नॉर्मली मैं जब भी पणजी जाती हूँ ना, आप देखते होंगे किंग फिश, प्रॉन्स, ये सब कुछ मैं लेके आती हूँ। तो कल ना वो सब कुछ कुछ भी नहीं था, ऐसे छोटे छोटे प्रॉन्स और ये छोटे मांदेली और बांगड़ा ये सब था। और ना रात को अगर हम जाएंगे ना पणजी, तो फिश जो है ना सस्ता मिलता है, पणजी हो या मापसा, रातचे गेले नाही मासे स्वस्त मिळतात नसते 100 रुपये वाटे बिटे मिळतात। सो देखते आज करी कैसी बनती है, कभी भी मैंने उसको नहीं खाया है। मांदेली मांदेली फिश है वो, किधर है आओ ना नीचे, मम्मी मम्मी ने मगा बुची ना मगा, हां उरी उरी माना तो मगा। तो मैं देखती हूं कैसा क्या होता है। रीति बाबा आपण खाय ना बाबा, तने पहिली म्हटलं आपण खाऊतो ना, उसने कभी खाया नहीं ना, मैंने भी नहीं खाया है। पर लेपो की तरह दिखता है वो, जब उसको देखोगे ना, तो अभी उसको क्लीन करना है, बहुत सारे हैं। थोड़े आज करी बनाऊंगी और शेवटे जो है ना उसको मैं फ्राई करूंगी आज। ओके, तो चलिए फटाफट ना। हाँ, कुबे भी खाए ना, सारे काल बांगड़ा मैं लेके आई हूँ, छोटे साइज के बांगड़ा, वो फ्रिज में है। तो अभी इसको ना मैं क्लीन करना है, तो मैंने कभी इसको इजी है क्लीन करने के लिए, डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो फिश को ना पहले क्लीन करते हैं। तो क्लीन करने से पहले ना मम्मी बोल रही कि उसको पहले मसाला दिखाएंगे, क्योंकि ग्राइंडर में डालेंगे ना थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ करी के लिए, मांदेली फिश करी के लिए हमें क्या क्या चीजें लगेंगी करी के लिए। ओके, मम्मी ने ना यहाँ पे सारे निकाल के रख दिया है, तोड़ बरे ना कर। हाय मर सकता है। ओके, और यहाँ पे देखिए, ये ना मम्मी अपने स्टाइल बना रही है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग स्टाइल होता है। तो यहाँ पे ना एक नारियल को ग्रेट करके लिया है, यहाँ पे बुना हुआ मस्टर्ड सीड्स और थोड़ी सी बुना हुआ मेथी यहाँ पे लिया है, एक छोटी चम्मच धनिया, इसको ना रोस्ट करके लिया है, ठीक है भाजला, और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, सूखी लाल मिर्च, यहाँ पे ना बिड़गी मिर्ची लिया है, और यहाँ पे ना आधा प्याज लिया है, बस इतना ही करी के लिए। अभी ना इसको डालते हैं ग्राइंडर में, पानी डाल के इसका एक फाइन पेस्ट बनाना है। और यहाँ पे ना मम्मी ने ये बनाया, मैं ना कल आते वक्त ये लेके आई थी तांबड़ी भाजी, गर्म मुझे ना फिश करी के साथ ना तांबड़ी भाजी बहुत ही पसंद है। ये देखिए तांबड़ी भाजी, कलर ना नहीं है, लाइट ही ला, पर मेरा फेवरेट है तांबड़ी भाजी। तो चलिए अभी ना फिश को क्लीन करते हैं। फिश को ना मैंने क्लीन कर दिया है, और ये क्रीम रहेगा छोटे फिश को क्लीन करना ना बहुत ही मुश्किल है, नाम के आदोड़ी ना नहीं स्केल्स नहीं खूब असता, म्हणजे खवळा खूब असता, त्याका टाइम गेलो। पण मांदेली फिश ना बहुत ही इजी है क्लीन करने के लिए, त्याका चढ़ येऊ ना स्केल्स भी होऊ ना। ओके, तो आज मांदेली फिश मुझे मिल गया है, तो मैंने मम्मी को बोला है थोड़ा करी करेंगे और थोड़ा फ्राई करेंगे, मुझे ना दोनों टेस्ट करके देखना है, बगी यानी परत ते मेल्टले का ना नुसते खबर ना, तो मैंने वो रेयरली देखा है गोवा में। ओके, तो दिखाती हूँ मैं। तो ये ना थोड़ी करी, इसकी करी बनेगी और थोड़े फ्राई करेंगे,
और ये देखिए छोटे, तो इसको ना तीनों को ना मैंने नमक लगा के रख दिया है और वहाँ पे ना मसाला भी रेडी है। तो यहाँ पे मसाला डन डालने, तो उसको निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए मसाला रेडी है, ओके अब बनाते हैं मांदेली फिश करी। और यहाँ पे हमें लगेगी एक प्याज जिसको ना चॉप किया है, यहाँ पे लिया है कोकम यानी सोला, और ये यहाँ पे दो ग्रीन चिली को ना इस तरह से कट कर लिया है। और यहाँ पे बर्तन जो है ना रख दिया है। तो अब इसमें डालते हैं तेल, कितने 2 चम्मच तेल। तो तेल ना यहाँ पे गरम हुआ है, अब इसमें डालते हैं प्याज, और प्याज को ना बस 1-2 मिनट के लिए हमें भून लेना है, ज़्यादा ब्राउन ना करे। तो अब इसमें डालते हैं ग्रीन चिली। तो यहाँ पे प्याज और चिल्ली को ना हमें अच्छे से फ्राई करके लेना है। तो अब डालते हैं मसाला पेस्ट। तो करी ना आपको जितना पतला या गाढ़ा चाहिए ना उस हिसाब से आप पानी डालें। बढ़िया तक मिक्स करा। तो ये ना परफेक्ट है, तो इसको ना अच्छे से मिक्स किया है। अब इसमें डालते हैं कोकम यानी सोला गल, और अब इसे ना एक अच्छे से उबाल आना है। इसको ना अच्छे से उबाल आने के बाद हमें फिश डालना है, मीट डालता। हाँ, तो अब इसमें डालते हैं नमक। तो फिश पर भी मैंने नमक लगा के रख दिया है, ठीक है। तो नमक डालते हैं स्वादानुसार और इसको ना अभी अच्छे से एक उबाल लाते हैं। तो करी को देखिए यहाँ पे अच्छे से उबाल आ गया है, बड़ा खतखता आएगा। ओके अतः तुम फिश गा लिया गल। फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ मांदेली। तो अब इसको ना मिक्स करना है, तो इस तरह से इसको मिक्स करें। ओके अब इसको ना और फिश हमें अच्छे से उबाल आना है, जब तक फिश जो है ना अच्छे से कुक नहीं हो जाते। कौन है मांदेली फिश खाला कमेंट करा। तू का विचारू ना हमें मजे यूट्यूब फैमिली विचार ला और बेस्ट कमेंट करा। ओके कौन खाला है फिश मांदेली फिश। ओके मैं प्लीज कमेंट करा। हाँ फर्स्ट टाइम खाऊन तुम सांगता मैं कशे जाते रे तू खाई ना का रितिको पण पहिलीच म्हटलं मार्केटानूच। हाँ आणि खाऊचो ना बायलो 100 वर्ष आयुष्य उसने ऑलरेडी बोल दिया मार्केट में मैं नहीं खाने वाला हूँ मांदेली फिश आयलो मैं ये किरे खो होता सरप्राईज कसं सरप्राईज सरप्राईज काय मांदेली फिश मांदेली माझर नाही हाय माझर काय माझर फिश खातला नाही अरे नया साल है नया नया फिश है ना नया साल है नया फिश है ट्राय करूंक जाय सद्दी म्हाका म्हणटा आमकां न्ही सदांच किदें ना किदें तरी न्यू ट्राय करूंक जाय खंय पण आज तुका नुस्तें ट्राय करचें पडटलें पयलीं सगळ्यांक हाय म्हण हॅपी न्यू इयर म्हण हाय हॅपी न्यू इयर वन्स अगेन। ओके मांदेली फ्राय मांदेली करी आणि ते शेवटी आहे नी गे कसलं पेमेंट बरले आईस ऋत्विकांना स्कूल फी नाही भराता मधी सुट्टी पडले नी आणि तो मस्त इव्हेंट बिझी असलेलो तो आईज भरून आयले बरो वास सुटला झाले चल त्या नी चमचो घेऊन हे करणार का पिसळटले गे बंद करता। तो यहाँ पे मांदेली फिश करी रेडी है। फिश पर मसाला लगाते हैं और बस इतना ही रह गया है होममेड मसाला आणि करूंग जाय। मम्मी नी मायस्ता दिवाळी पहिली केलेले चल फ्राय बीन केले नी रोखडे काबार जाता आमगे चल फ्राय बीन चल करना आणि हे मसाला नी फ्राय सामके बरं लागता। फिश पर मसाले लगा दिया है और थोड़ी देर के बाद ना मैं इसको फ्राई करूंगी ठीक है।
सांगा जो पास गया ना, और मैं दिखाती हूँ मेरी थाली। तो ये है आज की थाली, राइस, तांबड़ी भाजी, एक विसरने हम मांदेली करी, मांदेली फ्राय आणि शेवटे फ्राय खाऊन सांगता तुमका। ओके थाली ओके खाऊन सांगता कशी झालते। तो ये करी घालता लागी यो ऋतिकान घेऊ ना फिश ये दिखे एक पळताना नी आहे दिसता की ये वेल्ली काय वेल्ली नी। ओके तो खाऊन सांगता आणि मका नी फिश करी वांगडा नी भाजी भी असू जाय त्याका लागून मी काल तांबडी भाजी घेतली काल डाळ असलेले डाळीन देता घेतो सांगता जेवून करी बरं आला शेफ आई करी बरं आला शेफ आई आणि फिश ती सेम माझ्या भाषेन वेल्ली भाषेन निघे बारीक काटे आले का बारीक बारीक पण ते आहेत खाऊ शकता विथ काटे काय आहे ना अभी फ्राय खाती मैं फ्राय एंजॉय दे मंदिरी एंजॉय ना आणि खबर त्याला बाजला नाही टेस्टी आला कोणे कोणे खाऊ ना मांदेली ट्राय करा फिश एकदम टेस्टी असतात सेम लाईक अ वेल्ली भाषेन काय फरक ना असं एक वाढले खा म्हटले काय कळना न्यू नुसते म्हणून सेम लाख वेल्ली सेम मशे बाय बाय काटे हा बरं आणि चल काटे खा तू रिती पप्पाक नी असे बारीक बारीक काटे बी असं नुसते आवडना काय काय खाऊ ना नी फक्त त्याका इसवण बांगडे सुंगटा आम्ही आमका नी ते इसवण बांगडे सुंगटा खाऊन आम्ही वाजायला आणि असले नुसते मेळपाक खूप मुश्किल बारीक म्हाका नी बारीक बारीक नुसते खूप आवडटा मिक्स असता वेल्ली आणि मिक्स बीन असता पळय आणि बुराटे बीन तसले रेडी मेळत ना पण ते नुसते बरे कमी रेट आणि जेवण टेस्ट बरं येतं करी बरं येतं फ्राय बरं येतं म्हणून काल आजचे गेले पणजी बरे काम झाले माझे मांदेली मला ट्राय करू मिळा आहे ओके जेवून घेता मम्मी मम्मी खाला का खूप मांदेली ठीक आहे मम्मी बॉम्बे असताना मम्मी पहिली बॉम्बे असलेली तर मम्मी तर बॉम्बे खूप मेळटा हे पहिला व्हिडिओ बीन खूप मेळटा मांदेली हांगा मेळपाक मुश्किल तो बरे हा ओके जेवून घेता आणि तुका मागीर मेळटा तो दोपहर को ना मांदेली फिश खा के ना कोई व्लॉग नाही बनाया अब बच चुके 5:30 और हम जा रहे हैं अभी डॉक्टर के पास मम्मी को ना यहाँ पे बीच में ना दर्द हो रहा है तो दो दिन से ना उसको बहुत टाइम से उसको दर्द हो रहा था वो ना एक दिन कमी आता एक दिन शुरू आता काल दोन दिन तक चालू असते रे दुपाचे तो म्हटलं आहे दाखवून येऊया डॉक्टरला तो अजून बाहेर सरला आम्ही हां चल 5 नंबर गेला और हमें मिला है 17 नंबर तो बाहेर सरला डॉक्टर बोल 5 नंबर गेला काय तुम्ही बसा गाडीन 17 5 गेला भीतर डॉक्टर आया है थोडा रश आहे आज कोण खड़ा हो चल ये लोग गाड़ी में बैठेंगे आम्ही बसता है सर तो हो गया काम जल्दी आके भी ना इतनी भीड़ थी और बाद में 7 के बाद ना बहुत ही रश होती है 17 नंबर मिला हमें तो डॉक्टर ने सब कुछ ठीक है बीपी की गोली चेंज किया है मम्मी का बीपी है ना उसकी गोली चेंज किया है और बाकी सब ठीक है तो आता है मम्मी खाऊंगा पानी पूरी तो अभी जा रहे हैं हम पानी पूरी खाने टैबलेट और टैबलेट डॉक्टर ने दिला एक अच्छी बात है डॉक्टर के पास सब कुछ टैबलेट है जो नहीं होता है ना वो बाहर से लिख कर देता है चल लाइन देखिए लोग पकितले और ये वाला ना बहुत ही अच्छा बनाता है मतलब अच्छा रहता है उसका
चलो इसके बाद हमें खाना है पानी पूरी। पानी पूरी, पानी पूरी का इंतजार कर रहे हैं। किन्नु ऋत्विक क्यों बोला था? ठीक है बोला हां कर दो बहुत अच्छा। फाइनल कप बहुत बड़ा है। देखिए देखिए घर पहुंच गए हैं और आते वक्त थोड़े बहुत सामान लेके आए हैं। नारियल लेके आए हैं। हमारे घर में ना नारियल जल्दी खत्म होता है। बरे मानी मैं दिखाती हूँ। मैं आते वक्त ना फरवरी से नारियल लेके आए हूँ। ये 20 रुपया आपका नाल पर लगता। और ना मैं ये लेके आई हूँ उखड़ा राइस। मैंने बोला था ना हमारे घर में उखड़ा राइस जो कीड़े पड़े थे उसको ना फेंक दिया है, वो ख़राब हुआ था। और दूसरा लेके आए हैं इसको ना फ्रिज में रखेंगे, नहीं तो ना इसको कीड़े पड़ते अगर बाहर रखेंगे तो फ्रिज में रखेंगे ना तो अच्छा सा अच्छा रहता है। तो कभी कभी ना ऐसे प्याज वगैरह खाने का ना बहुत ही मन करता है। और 2 कच्चा केला लेके आए फ्राई करने के लिए। तो चलिए गाइस आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा, रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। को बाय भी बंटा, सभी लोग अंदर घुस गए। बाय मन, मम्मी सभी पुटली दौड़ता। बाय मन, बाय।